क्या कर रहे हो सर? यार लास्ट 7 सालों में ना मैंने अब तक कितने स्पॉन्सरशिप लिए हैं, उन सबका रिकॉर्ड आज ना उन जनता को देना है जिनके लिए वीडियोस बनाता हूँ। चलो जी स्टार्ट करते हैं। बीते 7 सालों में ना मैंने 2 ऐसी स्पॉन्सरशिप करी जो मुझे सच में नहीं करनी चाहिए थी। क्या मुझे सच में नहीं करनी चाहिए थी उस पर भी डिस्कस करेंगे। और आज यार मैं थोड़ा ना लिटरली आपको वो सारी चीज़ें रूबरू कराने वाला हूँ जो शायद हिडन बातें होती हैं, यूट्यूबर कई बार शेयर नहीं करना चाहता। सबसे पहला स्पॉन्सरशिप था वो एक गैमलिंग ऐप था जिसपे लोग जाके और जुआ खेलते थे नॉर्मली। आज से ये 2 साल पहले की बात है, मैंने अपना एथिक्स पहली बार तोड़ा क्योंकि मैं एक ऐसे सर्कल में आ चुका था जहाँ पे लोग कर रहे थे और उनके व्यूअर्स मज़ा आ गया सर, दिल जीत लिया सर आपने, तो मेरे को बहुत बुरा लगा। जब उस टाइम ना बहुत ज़्यादा लोग कोर्स को नेगेटिव लेते थे, आज से ना 3 साल पहले लोग कोर्स मतलब स्कैम, मतलब मैं तो 5 साल से लोगों को सिखा रहा हूँ पर 2 साल करने के बाद लोग लगता था यार इतनी मेहनत करता हूँ है ना, लाइक टीम को लेके बैठा हुआ हूँ, सपोर्ट सिस्टम, इतने यूट्यूबर्स आके ऑफिस में चेक करके चले गए, यहाँ तक कि वीडियोज़ बना के गए जहाँ लोगों को उन्होंने एक्सपोज करा, वो आके यहाँ पे देख के गए कि नहीं यार वाकई इनकी टीम स्ट्रांग है, वो फर्जी टीम नहीं है जो टेबल ओवल लेके बैठ के हवाबाजी कर रही है। उन्होंने देखा कि 5-5 साल पुराने सपोर्ट सिस्टम की टीम है। मेरा खुद इन्वॉल्वेशन बहुत ज़्यादा रहता है, तब भी लोग कहते थे यार तुम लूटे रहे हो, ये हो वो हो। मैंने कहा यार हम क्या लूट रहे हैं यार, इससे बेटर तो ये लोग हैं जो 5-5 लाख स्पॉन्सरशिप का लेते हैं और कमाते हैं। उस टाइम मैंने कुछ 2.5 लाख रुपए लिए थे और मैंने वीडियो बनाई और उन्होंने कहा एक दिन बाद आप डिलीट कर देना। मैंने बनाया और एक दिन बाद डिलीट कर दिया, मुझे 2.5 लाख रुपए मिल गए। सभी कर रहे थे, मैंने भी कर दिया, लोगों ने भर के गाली बगी कमेंट में क्योंकि तुम भी बिक गए। मेरे को उसके लिए भी गाली पड़ी और गाली पड़ने के बाद मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ जो मैं आगे चल के दिखाऊंगा कि कैसे वो चीज़ निपटी। अगली वीडियो बनाई, लोग खुश हो गए तो मुझे लगा यार तो जनता सच में है, बट मैं भूल गया कि यार वो क्रिएटर्स जो मुझसे दिली लगाव जुड़े थे वो बच्चे मेरे से चले गए। वो मेरे को एहसास तो हुआ, मैंने कान पकड़े कि मैं आज से कभी भी ऐसी मिस्टेक नहीं करूंगा। बट आज से कुछ दिनों पहले मैंने महात्मा जी टेक्निकल पे एक लूडो का प्रमोशन करा जो मैंने सिर्फ पहली बार किया और मुझे लगता है मैं आज आपको प्रॉमिस करता हूँ कि वो मेरा आखिरी एप्लीकेशन है। अब आपको लगता होगा कि यार इस लूडो एप्लीकेशन के प्रमोशन के लिए मैंने लिए होंगे कुछ 8-9 लाख रुपये जहाँ पहले मैं 2.5-3 लाख लेता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक प्रेशर में लिया गया काम था जो कि कई बार होता है ना जब आपके आसपास क्रिएटर्स वैसे हों और आप पे लगता हो कि यार नहीं करूँगा तो इस कम्युनिटी से थोड़ा सा मैं डिटैच हो जाऊँगा, इन लोगों से नहीं जुड़ पाऊँगा। तो मैंने यार फिर वो चीज़ करी और मैंने उसके लिए सिर्फ पैसे लिए 1,05,000 रुपये। और मैं आपको आज श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप मुझे ना आज एक चैलेंज दो लाइव वीडियो ऑन करके कि अभी के अभी आप 2 घंटे के अंदर एक स्पॉन्सरशिप लाओ 2 लाख रुपए की अपने महात्मा जी पे और 1 लाख रुपए का वीमे क्रिएटर्स में। मैं गारंटी देके कह सकता हूँ मैं अभी के अभी 2 घंटे के अंदर आपको एक स्पॉन्सर ला सकता हूँ। फिर आप बोलोगे भाई फिर क्यों करी ऐसी बेवकूफ़ी कि अपने चैनल पर ही महात्मा जी पे तुमने लूडो की वीडियो डाल दी। तो कई बार ना एक रिलेशन मेंटेन करना होता है यार लोगों का, पर मेरे को ये लगा यार रिलेशन अपनी जगह है, लूडो अपनी जगह है। मैं लूडो कभी लोगों को खिलवाता नहीं, मैं माइंडसेट के ऊपर बात करता हूँ, मैं आपके क्रिएटर्स के ऊपर बात करता हूँ कि आप एक सक्सेसफुल क्रिएटर कैसे बनोगे, हवाबाज क्रिएटर नहीं कि कुछ भी डाल रहे हैं उल्ट पुल्ट और आप क्रिएटर बनो। जैसा आप मेरे लाइव क्लास में देखते हो इतने सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, 99% लोग वो हैं जो कहीं ना कहीं अपस्किलिंग वाले हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस है, ये वो सारे लोग हैं। तो इन लोगों के साथ, और रही बात पैसों की, आपको पता होगा रिसेंटली हमने कुछ दिनों पहले क्रिएटर कार्निवल इवेंट करा, क्या लगता है कितना खर्चा हुआ होगा? शायद रोक के मैं चाहता हूँ आप कमेंट्स करना है, मन में एक सोचना फिगर, तब मैं आपको एक फिगर बता रहा हूँ। इसमें मेरा लगा 52,17,000 रुपये, मतलब 52,17,000 रुपये मेरे खर्च हुए। आप बोलेंगे सर स्पॉन्सर लिया होगा आपने, तो आपके आंखों के सामने 5,000 लोग आए थे, उसमें से मैं जरूरी श्योर हूँ कि इसमें से बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा होगा। आप कमेंट करके बताना कितना हमने स्पॉन्सर किया, तो मैं नाम भी गिनवा देता हूँ। एक पहला प्रमोशन था रिगी का जहाँ से हमें कुछ 22 या 22.5 लाख रुपये मिले थे, दूसरा और प्लस GST। दूसरा एक अमाउंट था जो हमें एक अर्ली करके कंपनी है, उन्होंने कुछ समथिंग 2 लाख रुपए दिए थे, बेंचमार्क था, उन्होंने कुछ समथिंग कुछ 1.5 से 2 लाख रुपए के उनका भी था। और एक और आपने देखा होगा जहाँ एक ट्रस्ट बेस्ड कंपनी थी जो क्रिप्टो रिलेटेड थी, और वो पहले क्रिप्टो रिलेटेड बाद में थी, वो पहले पेड़ पौधे इनसे रिलेटेड बात थी जो उनके एक वहाँ पे स्पीकर्स बहुत ज़्यादा बोलने लग गए थे कि माँ कसम खाओ पेड़ लगाओगे, तो लोग बच्चे थोड़े बच्चे ही थे वो इन्जॉय भी कर रहे थे कि सर क्या बोल रहे हैं। तो एक वो था, सबको पता था कि वो स्पॉन्सर्ड है, उन्होंने भी कुछ 2.5-3 लाख रुपये मुझे दिए थे। आप इसको कैलकुलेट भी करोगे ना मेरे भाई तो ये कुछ बैठ रहा है 30-35 लाख रुपये, 30 लाख रुपये के करीब या अप्रॉक्स 30-32। इसके बाद हमने कुछ 8 लाख रुपये के करीब टिकटें बेची थी, जो हमारी कुछ एक टिकट 3,500 की थी और 1,000 रुपये की टिकटें थी जो 8-8.5 लाख की बिकी, तो ऑलमोस्ट 40 लाख रुपये। इसके अलावा 15-16 लाख रुपये मेरे खुद के पॉकेट से गए,
15 से 16 लाख के अलावा मेरी 3 महीने की पूरी मेहनत, मेरी और मेरी टीम की, जहां हमने पूरा सब काम छोड़ गए, चैनल को छोड़ गए, चैनल पे भी काम नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर से बात कर रहे हैं इवेंट के रिलेटेड। तो आप सोचो कि जब हम खुद पैसे लगाने के बाद, अच्छा पूछ रहे हो आप कि क्यों बता रहे हो, तो इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि एक तरफ जहाँ वो क्रिएटर जो आलतू फालतू वीडियोज़ बना रहे हैं, आप उनके व्यूअरशिप को देख के आप मुझे जज कर लेते हो कि तुम्हें खुद व्यूज़ नहीं आते। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता है, मैं सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं बैठा हूँ। आज मेरे पास व्हाट्सएप पे इतने यूट्यूबर्स के कनेक्ट हैं कि मैं उनके साथ ही अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ। तो मैं यूट्यूब कम्युनिटी में एक बिजनेस ओरिएंटेड काम करना चाहता हूँ। मुझे पता है यूट्यूब प्लेटफॉर्म ना आज मेरा सगा है ना कल आपका सगा है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये मोर इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता देता हूँ उस इवेंट की बात। बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो मुझसे बात होती है तो मुझसे पूछते हैं कि भाई तुम ये इवेंट क्यों करते हो, तो मैं उसको पता है क्या एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई आंसर ही नहीं होता। क्योंकि आपने देखा होगा पूरे इवेंट्स के दौरान मैंने स्टेज पे एक बार भी कभी कोर्स का नाम नहीं लिया कि कोई भी क्रिएटर ऑफेंड हो जाए। इनफैक्ट लोगों ने इतनी तारीफें करी हैं कि यार सच में आपने कभी कोर्स के बारे में नहीं बोला, कभी लोगों को सेल नहीं करा वहाँ पे। और जितने भी आप में से लोग आए थे, प्लीज़ मैं कमेंट करूँगा कि आप अपने भर के अच्छे जो भी आपको दिल में भरास हो ना वो लिखो कि सच में आपको कैसा लगा था वो इवेंट। आज हर जगह मुझे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं अमरीश जी मज़ा आ गया था, क्यों? क्योंकि मैंने फ़ायदा नहीं उठाया वहाँ पर। बट आप सोचोगे क्या मेरा फ़ायदा फिर भी हुआ, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जब आप पैसों के पीछे नहीं भागते तो पैसा आपके पीछे भागता है। ये गलत थ्योरी है मेरे भाई, किसने कह दिया ये आपको? चार लोग अगर एक बात चिल्लाना कह दे तो ये सही राइट है? गलत है। आज के डे टाइम पे अगर आप पैसे के पीछे नहीं भागोगे तो पैसा आपसे और दूर भागता चला जाएगा, है ना? कहावत भी है ना कि रिच मैन जो है वो और ज़्यादा रिच हो रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग अमीरों को ही ज़्यादा अमीर बना रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि आप ये समझो कि मैं उनको एग्जांपल देता हूँ कि यार मैं क्या करता हूँ उस इवेंट में। आपने क्लास के मॉनिटर को देखा है, उसको कुछ मिलता है क्या? कहता नहीं। फिर भी उसको मॉनिटर बनने में कितना प्राउड महसूस होता है। फिर भी आपने देखा उसको मॉनिटर बनने में कितना प्राउड महसूस होता है, वो कहता है हाँ हाँ। तो बस वही बात है यार, मुझे ना अच्छा लगता है। इसी वजह से आज YouTube इंडिया ने मुझे ऑफिशियली अनाउंस करके बोला कि आप दिल्ली के सिटी एम्बेसडर है, जो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला। खैर मुझे तो पता था पहले से, जो मैं आपको बोलने वाला था मैं अनाउंस करूंगा, यही वो अनाउंसमेंट थी। तो कितने गर्व की बात है कि दिल्ली में पहला सिटी एम्बेसडर चुना गया और वो मैं था। मतलब ये मेरे लिए सच में प्राउड की बात है। मतलब मैं आपको अपना एक्सप्रेस नहीं करना कर पा रहा कि कैसे मैं चीज़ें वो कर रहा हूँ। तो कई बार ना जब लोगों के मैसेज आने लगते हैं कमेंट्स में कि तेरे खुद के व्यूज़ नहीं आ रहे, तू क्या लोगों को सिखाएगा, तो यार मैंने एक चीज़ देख ली है कि मैं कमेंट्स के पीछे नहीं भागूंगा, और जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी कमेंट्स के पीछे नहीं भागते। ये वो लोग हैं जो कहाँ से आए हैं उनको नहीं पता, उनको एक ओपन सोर्स मिल गया है और वो बस कमेंट कर रहे हैं। तो मैं उन चीज़ों के पीछे नहीं हूँ। मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि नॉट इवन अनऑफिशियल इवेंट, जब मैं यूट्यूब के इवेंट्स में जाता हूँ ना, तो वहाँ पे जाते ही लोग इतना प्यार देते हैं मेरे को, जो आप वीडियो साइड में देख पाओगे, इतना प्यार कि सर आपसे सीखा, आपकी वजह से सीखा। वो एक लड़की थी जिसपे हमने वीमे क्रिएटर वीडियो बनाया था, उसमें मिलियन व्यू चले गए, उसमें एक लड़की मैथ्स पढ़ा रही होती है और हमने कुछ उस पर वीडियोस बना दी थी, तो वो आके बोलती कि भैया मैं आपको सुन के दोनों चैनल बनाए मैंने, और मैं ऑफलाइन में 120 बच्चे पढ़ाती हूँ भैया, वो मेरा बॉडी ऐसा है, कपड़े ऐसे पहनती हूँ, तो अब लोग कॉमेंट्स करते तो मैं क्या करूँ, कितने कॉमेंट मैं डिलीट करूँ, है ना? तो ये भी राइट बात है यार, कितने कमेंट, बंदा जिंदगी भर काम धाम छोड़ के कमेंट के पीछे पड़ जाएगा। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार इस बच्चे के लिए मैंने कुछ डाल दिया, लेकिन मैंने कुछ हेट तो नहीं बोला, नहीं भैया मेरे को थोड़ा बुरा लगा। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, हम अब तो मेरे को समझ आ गया ना तू क्या कर रही है, ये वीडियो वो जरूर देख रही होगी। सो सिंपली यार कि ऐसे लोग मिलते हैं कि आपको देख के सीखा, आपको देख के हमने यार जीरो से शुरू करा, आपको देख के बड़े बने। मतलब लोग यूट्यूब के इवेंट्स में, ऑफिशियल इवेंट में आके जब ये कहते हैं तो मेरे को लगता है हाँ यार, जो वीमे क्रिएटर 5 साल पहले मैंने शुरू किया था, 5 साल पहले हम इवेंट्स करते थे। आप सोचना जिनका आप नाम लेते हो, ये चन्नू मन्नू यूट्यूबर्स जो आजकल आके ज्ञान दे लेते हैं मेरे कमेंट्स में बैठ गए, ये मेरी वीडियोस देख के बने हुए हैं। बट इन जब ये यूट्यूब पे आएंगे तो उन्होंने सर्च मारा हुआ ना हाउ टू ग्रो यूट्यूब। आज मैं कहता हूँ ना कि जब मैं यूट्यूब पे आया हूँ तो किसको देखा था मैंने, क्या कैसे चैनल है उनको देखा सबसे पहले, क्या कैसे यूट्यूब पे चैनल है आप सर्च करना, आपको दिखेगा वो मैम जो सिंगापुर से वीडियो बनाती थी, सबसे पहले उनको लुकआउट करा, फिर उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। इन दौरान मैंने माई स्मार्ट सपोर्ट को देखा, बट मैं माई स्मार्ट सपोर्ट से कुछ ऐसे लर्निंग वैल्यूज़ नहीं ली, बट मुझे उनसे इंस्पिरेशन बहुत मिली कि यार एक गांव का बंदा बिहार का, जो यू नो उस टाइम तो देसी लैंग्वेज में कोई इतना, सबको प्रोफेशनल लैंग्वेज चाहिए था, इंग्लिश वाला कॉन्टेंट चाहिए था 2016 के शुरू में, वहाँ पर एक यार बिहार का बंदा बिहारी स्टाइल में वीडियो बना ले रहा है, तो यार हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये इंस्पिरेशन मैंने उनसे ली उस टाइम कि यार हम, तब हमें मोटिवेशन मिला कि यार हम तो कर ही सकते हैं। तो ये मतलब सबसे ज़्यादा मैंने वीडियो क्रिएटर करके US का एक बंदा था उससे सीखा, और क्या कैसे हिंदी में चैनल है एक जो मैंने आई डोंट नो बहुत दिनों से देखा नहीं है, बट मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो अभी भी मैं आपने जिनसे सीखा उनको मैं बार बार बोलता हूँ वीडियोज़ में कि हाँ यार मैंने उनसे देख के सीखा। तो जब हमने ये सब चीज़ें करी, हमने बहुत मेहनत करी, बट आजकल बहुत सारे क्रिएटर, जैसे अभी आपने देखा होगा रिसेंटली कि लखनीत
उन्होंने कितनी मेरी बारे में बातें कही वो मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ। आप मुझे थैंक यू बोलो कैसे चलेगा, मैं कैसे थैंक यू बोलूँ, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था मेरे को ए टू जेड कुछ नहीं पता था कुछ नहीं। उसके बाद मैंने भाई का चैनल देखा, मैंने बेसिक चीज़ें सीखी, उनकी कोई किताब कहीं नहीं आती, लेकिन बेसिक चीज़ें टैक्स क्या डालने हैं, टाइटल कैसे डालने हैं, रेवेन्यू कैसे अच्छा आता है, आर पी एफ कैसे सुना रहे हैं, मैंने आपकी इतनी सारी वीडियोज देखी, इतनी सारी मैं देख के सीखता था। तो आप सोचो कि यार मतलब कितना प्राउड महसूस होता है कि इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स जो आज बन चुके हैं वो यार वीडियोस देखा करते हैं कि आरपीएम कैसे लगाएं, टैग कैसे देखें, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। सो दिस इज ऑल अप टू यू। छोड़ने का बहुत बार मन करता है यार कि छोड़ के ना अपना जो काम कर रहे हैं यूट्यूब रिलेटेड वो करते हैं, अच्छा पैसा बन रहा है वहाँ से, कंसल्टिंग से अच्छा बन रहा है, यूट्यूब मैनेजमेंट में अच्छा बन रहा है, इवेंट्स अच्छा कर रहा हूँ, ये वीडियो से कितना ही बन रहा है। मतलब आप सोचो ना कि इतनी बड़ी टीम मैनेज हो जाएगी जो एडसेंस की रेवेन्यू आती होगी वीमेक और महात्मा जी से, पॉसिबली नॉट, मैं आपको बता देता हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि जो वैल्यूज़, जो नॉलेज, जो नेटवर्क मैं आप लोगों से बना सकता हूँ वो मैं बनाऊँगा, और जो लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं उनके लिए बता देता हूँ। तो जी ये है जादू जो मैंने इंस्टाग्राम पर वीडियो डाली थी कि भाई आप लोगों को गिव अवे दे रहा हूँ, लेकिन गिव अवे नहीं दूंगा, तकरीबन 50,000 इसकी वैल्यू होगी, मैं 3,500 में दे रहा हूँ। बड़े लोगों ने कमेंट करे तो दिल पिघल गया मेरा, मैंने कहा यार मुझे बस आपसे चाहिए, फ्री में तो नहीं दूंगा जीवन में कोई चीज़ आप लोगों को, फ्री वाली आदत आपको लगाऊंगा ही नहीं, फ्री में ना बर्बाद हो जाओगे जीवन में। तो मैंने कहा चलो 1 रुपये लूँगा आपसे, तो सिर्फ आपसे मुझे चाहिए 1 रुपये, मतलब जब भी मैं जिसको गिव अवे दूंगा उससे मैं 1 रुपये लूँगा और ये उसको दे दूंगा माइक। तो अब ये सिर्फ 1 रुपये का, 3,500 का नहीं है, इंस्टा पर डाला था उस पर वीडियो डाल दूंगा, आप देख लोगे, डाल चुका होऊंगा क्योंकि ये वीडियो लेट जा रही होगी। तो सिंपल ये है कि ये कैमरा कैनन 80D बहुत बढ़िया कैमरा है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। इनफैक्ट जो आप ये अभी देख रहे हो ये 80D की क्वालिटी है, क्योंकि आपने देखा कैमरा यहाँ से गायब हो चुका है। तो ये कैमरा लेने के लिए आपको इतना ही करना होगा, अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो, हर दिन वीमे क्रिएटर्स पे वीडियोस अपलोड होगी, यूजली हम सुबह के 10:30 बजे अपलोड करते हैं बट कई बार लेट हो जाती है। आपको शुरू के 1 घंटे में कॉमेंट करना होगा और कॉमेंट्स करके आप हमारे महात्मा जी टेक्निकल इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना, और वहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, लोगों को वीडियो शेयर कर सकते हो, अगर आपने शेयर भी करा तो उसका स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हो। तो बेसिकली आपको शुरू के 1 घंटे में कमेंट करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जितने लोग कमेंट करेंगे उनमें से पिक करेंगे, हमारा सॉफ्टवेयर बहुत ईजिली पिक कर लेता है, तो उनको ये मैं डेफिनेटली गिव अवे करूँगा और बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको दिखेगा भी, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि कॉमेंट्स करो और सब्सक्राइब करो चैनल को यार, अगर आपका प्यार रहा तो ही वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज सच में यार छोड़ना ही पड़ेगा, समझ रहे हो, ये रियलिटी बता रहा हूँ। तो बस प्यार दो, सपोर्ट दो, तभी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जी।